रातू सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि जन्मस्थली है केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू, और इस बीच जेपी नड्डा के साथ आज वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज उनके साथ होंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री उनके साथ होंगे, अनुप्रिया पटेल भी साथ होंगी। अनुप्रिया पटेल के साथ होने का मतलब आपको बता दें, दरअसल पल्लवी पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन है, समाजवादी पार्टी के टिकट से वो केशव प्रसाद मौर्य के सामने खड़ी हैं, इसलिए नामांकन के दौरान अनुप्रिया पटेल का साथ होना एक मैसेज देता है। तो इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सुबह सुबह अपनी धर्मपत्नी के साथ केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना की और अब निकल पड़े हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन के लिए क्या पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आपके चुनाव के बहुत संजीदगी से ले रहा है? नहीं देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व की कृपा है कि सिराथू विधानसभा का नामांकन हो रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मेरे यूपी प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, हमारे गठबंधन की जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में एक गठबंधन की हमारी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी आ रही हैं, और भी तमाम वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत। पटेल परिवार की एक और बहन है जो आपके खिलाफ सिराथू से चुनाव मैदान में उतरी थी, हालांकि अभी रस्साकशी चल रही है, उससे हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौसाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। सर एक सवाल और, एक विकास के एजेंडे पे आप जा रहे हैं सरकार के काम को लेकर के, लेकिन बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, गर्मी चर्बी इस तरीके की चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बनाने को। इसका जवाब जो है जनता दे देगी, जैसे जैसे पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है, उसका जवाब इनको ठीक से मिल जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि 2017 की तरह हम 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर चुनौती देख रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी, कोई चुनौती नहीं ये सब, इसलिए आप भी समझने की कोशिश करो, 2019 में सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब एक होकर के लड़े थे, तब भी भाजपा जीती है, तो चुनौती किस बात की है, जनता हमारे साथ है, गुंडे उनके साथ हैं। आज माँ का आशीर्वाद लिया सुबह, तो क्या मांगा? नहीं, निश्चित तौर से माँ का आशीर्वाद मांगा है, हमारी कुलदेवी हैं, और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार हम 300 पार करके उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनाए, सुशासन दें, विकास दें, गुंडागर्दी दें से मुक्ति दें, गुंडागर्दी से मुक्ति दें, माता रानी से मांगा है, माता रानी की कृपा हम लोगों को प्राप्त होगी।